हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैंने आरव को सुलाया है। मेरी भी आंखों में काफ़ी ऐसे बोलते हैं ना, जलन जैसा हो रहा था। तो मैंने क्या किया, ये है आइस पैक फॉर आइज़, इस तरीके से आता है ये। इसका रिव्यू भी मैंने अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है, आप चेक करना। सो ये मैंने लगा लिया था, और लगा करके मैं तो लेट गई, क्योंकि आरव भी आजकल ना बड़ा हो रहा है तो तुरंत नहीं सोता है। उसे बोल दो कि आ जाओ सो जाओ तो सुनता नहीं है, कहानी सुनाता है, फिर बोलता है तुम कहानी सुनाओ, फिर मैं मतलब ऐसे करके वो इतनी बातें बनाता है, मतलब करीब आधा घंटा लग जाता है अगर स्ट्रिक्ट है तो। अदरवाइज तो वो एक आध घंटे तक खेलते ही रहे, सोएगा ही नहीं। तो मैं ये लगा करके सो गई थी, मतलब लेट गई थी। तो वो बोल रहा था मम्मी ये हटा दो, ये देख करके मुझे लग रहा है कि आप भूत हो। एक थे कार्टून जो आते हैं टीवी में, पता नहीं कौन कौन सी स्टोरी बनाते रहते हैं और फिर बच्चे उनको ही कॉपी करते रहते हैं, तो वही वो उसने देखा हुआ कोई एपिसोड तो बोला था मम्मी ये आप लगा लोगी ना तो मुझे भूत जैसी लगोगी, तो आप हटा दो इसको। तो फिर मैंने उसे बोला ठीक है, तो फिर तुम लेट जाओ आइस क्लोज करके तो मैं हटा दूंगी। तो ऐसे करके डील करके, बट मैंने इसको लगाया, इससे आंखों को काफ़ी रिलैक्स मिलता है। थक जाती है ना कभी कभी आंखें, ऐसा होता है ना, आपकी आंखों में भी होता होगा। जैसे ज़रूरी नहीं है कि आप मोबाइल या स्क्रीन टाइम दो तभी आंखों में जलन हो। कई बार क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं ना, किचन में भी ज़्यादा काम करने लगे तो जो हीट होती है ना किचन की, वो भी आंखों में जाती है, और इसकी वजह से भी मतलब थोड़ा आंखें थकी हुई सी, ऐसा लगता है कि बस ऐसे आंख बंद करो और सो जाओ, लेट जाओ। सोने का नींद नहीं आती है लेकिन आंखों में दर्द सा होता है। तो आप इसको लगा सकते हो, ये काफ़ी रिलैक्स कर देता है। और यही है, अब आज डिनर में बनाने वाली हूँ, सोची हूँ ड्रमस्टिक की सब्ज़ी बनाऊंगी, प्लेन सब्जी बनाऊंगी बट अच्छी लगती है। और ड्रम स्टिक्स के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, तो जब मैं सब्ज़ी बनाऊंगी तब मैं आपको उसके बेनिफिट्स भी साथ के साथ बताती रहूंगी, रेसिपी शेयर करूंगी। तो एंड यही है, अब मैं ये सारे वीडियोस अपने इस चैनल पे डाल रही हूँ, तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा, आप लोग सपोर्ट करोगे। एंड यस, चलो अब उठते हैं, देखते हैं किचन में क्या करना है। कुछ थोड़े बहुत बर्तन वर्तन पड़े होंगे तो मैं वो धो दूंगी, वैसे तो मैं सब सुबह कर लिया था, बट अभी हमने जो लंच किया है तो दो चार प्लेट वगैरह होंगी तो वो मतलब धो लूंगी मैं। चलो फिर देखते हैं। ओके, सो मैं तो भूल ही गई थी, ये देखिए मलाई है, ये इतनी पूरी भर के मलाई नहीं है, थोड़ी सी कम थी। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी डाला है, गर्म पानी डाला था। तो मैं अब जा रही हूँ इसका फटाफट से घी और बटर जो भी है वो निकाल लूँगी। और ये देखिए ड्रम स्टिक्स है, ये मैंने पहले साफ़ करके रख लिए थे, बिकॉज ड्रम स्टिक्स एक ऐसी चीज़ है ना, ये तुरंत आए तो तुरंत ही आपको साफ़ करके एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लो, नहीं तो ये सूख जाती है तो फिर इसको साफ़ करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये मोटी मोटी आई थी, और मोटी मोटी में क्या होता है, वो खाने में कंफर्टेबल रहता है, या तो एकदम ही सॉफ्ट वाली आ जाए तब तो अच्छी बात है, उसको भी खाने में अच्छा रहता है। लेकिन ये जो मोटी और बड़ी है ना, तो इसको भी स्पून से निकाल कर और आराम से खा लो, खाने में कंफर्टेबल रहता है। और ये है, तो मैं इसको अभी थोड़ी देर में इसको बना लूँगी। तो ये देखिए, इसमें बटर जो है वो अलग हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें दिख रहा है ना आपको, ये जो है ये पूरा वाइट बटर है। इसको इसमें ठंडा पानी डाल के भी अलग कर सकती हूँ मैं, बट मैं क्या करूंगी, इसे डायरेक्टली फ्रीजर में रख दूंगी। इसको भी मैं ऐसे में डाल दूंगी, यस इस तरह से। इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और ये है मेरा वो बर्तन जिसके अंदर की मैं मलाई स्टोर करती हूँ। तो ये मेरे ख्याल से आधा लीटर का है ये कंटेनर। तो पहले मैं क्या कम दूध लेती थी तब मैंने इसे खरीदा था, और अभी मैंने दूध की क्वांटिटी, क्योंकि आरव भी अभी है, अच्छे से पीता है और हम लोग भी खाते पीते, दही वगैरह कंज्यूम होता है, तो दूध की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, तो दूध ज़्यादा होने लगा है। इस वजह से मुझे क्या है, एक मिनट पर मैं इनपुट कर लूँ, हाँ, तो इस वजह से मलाई जो है ना वो तुरंत इकट्ठी पूरा भर जाता है। तो मैं जैसे ही भर जाता है तो तुरंत उसे घी और बटर दोनों निकाल लेती हूँ। तो घी भी
रिक्वायरमेंट होता ही है, बटर और सब चीजें चाहिए ही होती हैं। तो उसके बाद पनीर भी बन जाता है, आप तो जानते ही हैं मेरी ये प्रोसेस पूरी। तो ये पूरा काम जो है मेरा, मेरे ख्याल से हर 10 दिन में, महीने में 3 बार तो मैं घी निकाल ही ले रही हूँ आजकल। आधा किलो मलाई, मतलब ये जितना भी है, इसमें वेट जितना भी हो, बट इतना मलाई जब भर जाता है तो मैं निकाल लेती हूँ, तो वो आराम से चलता है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही निकाला था, तो घी अभी काफी इसमें बचा हुआ है, इससे मतलब इतना घी निकल जाता है। ये भी आई थिंक 500 ml का ही है, पता नहीं यार क्वांटिटी में बड़ी दी हूँ, जो भी है ये, तो ये पूरा भर के तो नहीं निकलता है, इसका 80% जितना घी निकलता है। और अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही निकाला था और अब आज फिर निकल जाएगा, तो अब देखती हूँ मैं स्टोर कहाँ करूँगी। वैसे ये इसी में आ जाएगा मुझे लगता है, नहीं तो जैसे ही घी निकलता है ना, तो घी मेरा बहुत जल्दी जल्दी खर्च भी मैं कर लेती हूँ। सो यही है, मैं सब्जी जब बनाऊंगी तब फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो जब मैं डिनर बनाऊंगी तब रेसिपी शेयर करूंगी, बट यहाँ पर मैं कुछ संडे की क्लिपिंग्स डाल रही हूँ। ये हम लोग एक जगह यहाँ पर गेम वर्ल्ड नया खुला है, तो हमारे घर के पास में ही था, तो हम लोग आरव को थोड़ा सा घुमाने के लिए ले गए थे। और वहाँ एंटर करते ही आरव एकदम बोलते हैं ना स्टिल, रुक करके खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। मैंने इतनी फ़ोटोज़ लेने की कोशिश की बट सारी ब्लर हो गई, बिकॉज वो वहाँ पर बहुत लाउड म्यूज़िक वगैरह बज रहा था। और आरव एकदम इतने दिनों बाद ये सब देख करके एकदम, मतलब बोलते हैं ना, बहुत सरप्राइज हो गया था और बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी उसकी एक्टिविटी, उसने कैसे इन्जॉय किया और हमने उसको देख के बहुत इन्जॉय किया। सो यही था हमारा इस बार का हैपनिंग संडे। बस हो गया, हो गया, हो गया, खींच गई फोटो। चलो चलो बास्केटबॉल पे चलते हैं। चलो कहाँ है बास्केटबॉल? चलो तो चलो ना, पापा आ गए टिकट लेके। चलो बास्केटबॉल पे ही खड़े हैं। आजा लेके आ रहे हैं आप, चलो तो मैं दिखा दो मुझे। और यहाँ पर इतना लाउड म्यूज़िक बज रहा था, ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पर तो ये बॉलीवुड सॉन्ग बज रहे थे, तो मुझे म्यूट करना पड़ेगा बिकॉज कॉपीराइट आ जाएगा। सो यहाँ पर देख रहे हैं इतनी छोटी छोटी बॉल्स थी, तो इतना मतलब आरव को तो इतना मज़ा आ रहा था, बार बार वो यहाँ जाकर बॉल्स इसमें डाल रहा था, क्योंकि ऊपर आप देख रहे हैं ना, तो अभी थोड़ी देर में वो पूरा भरने के बाद बच्चों पे रेन जैसा होगा बॉल, तो वो चीज़ सभी बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करी थी, आरव को भी करी थी। आरव वहाँ पर जाकर के एकदम खेल रहा था और मुझे यहाँ पर इतना चिल्ला चिल्ला कर बोलना पड़ रहा था बिकॉज़ यहाँ पर बहुत लाउड म्यूज़िक था, एक दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तो मैंने फील किया कि जो मेरा पिछला क्लिप मैंने भी डाला उसमें इतना ज़्यादा लाउड म्यूज़िक था, ऐसा लग रहा था कि मैं कितना चिल्ला रही हूँ, बट चिल्लाना ही पड़ रहा था बिकॉज़ सुनाई ही नहीं दे रहा था। और क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा था तो स्पीकर एकदम मेरे मुंह पे ही था, तो बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही है। एनीवेज बहुत ज़्यादा मज़ा आया था और आरव इतना क्यूट लग रहा था, मुझे उसको देख के इतना अच्छा लग रहा था कि मैं पूरे टाइम उसके साथ में थी। यहाँ पर ये जो एरिया ना, यहाँ पर बच्चों और उनकी मम्मीज़ को अलाउ था, पापा को अलाउ नहीं था बट मम्मीज़ को अलाउ था। और बहुत ज़्यादा रश तो नहीं था, बहुत ही कम भीड़ थी यहाँ पर, लेकिन हाँ मतलब अच्छा लगा कि कोई एक नई चीज़ हमारे यहाँ भी ओपन हो गई है। बहुत मतलब बच्चों को भी बहुत मज़ा आता है और यहाँ पर बड़ों के लिए भी काफ़ी इंगेजिंग थे, गेम्स वगैरह थे। तो ये देखिए आरव ने कितना इन्जॉय किया, उसके साथ में छोटे बच्चे भी कुछ हैं। और केवल बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी यहाँ पर था। एक्चुअली मेन सिटीज़ में तो बहुत सारे इस तरीके के गेम वर्ल्ड रहे हैं, हम लोग जाते भी हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे एरिया में ये नहीं था, ये हमारे एरिया से एकदम पास में ही है, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बाकी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें बहुत बड़े बड़े ऐसे गेम्स नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि आप अपना जा करके वहाँ पे 2-3 घंटे टाइम स्पेंड करके आ सकते हैं और इन्जॉय करके आ सकते हैं। और आरव के लिए तो एकदम परफेक्ट ही है ये। ऐसा मत करो, अच्छे से पढ़ो, चलो अभी बताया था ना मैंने, फिर से करो। That all that we like butterflies. Yeah, very good. तो सोकर उठ गया था, तो आरव को मैंने थोड़ी सी रीडिंग करा दी बिकॉज आज पूरा दिन उसने कुछ भी पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, तो मैंने उसे पहले ही बोल दिया था कि सोकर के उठोगे तब फिर थोड़ा सा करा दूंगी। और फिर अब मैंने उसको यहाँ पर दूध बना करके दे दिया है और जब तक उसके पापा आएंगे तब तक वो दूध फिनिश कर लेगा ताकि वो उसके बाद खेलने जा सके, और उसके बाद ही मैं चाय भी बनाऊँगी।
मेरी चाय बनके रेडी हो गई है और मैंने चाय में डाला था गुड़ जो आपने देखा था, और यहाँ पर खाखरा है, ये एक खाखरा है जो मैं खाऊंगी, और दो तीन बिस्किट और चिप्स हैं जो मेरे हस्बैंड खाएंगे बिकॉज आई डोंट लाइक बनाना चिप्स। एंड उसके बाद मैंने ये सब्ज़ी बना ली थी डिनर के लिए, फटाफट बन जाने वाली सब्ज़ी थी बट इतनी टेस्टी बनी थी कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। तो एनीवेज चलिए रेसिपी देखते हैं। तो मैंने अपने कुकर में ले लिया थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल एंड इसको अच्छे से स्मोक कर लेना बहुत ज़रूरी है। एंड उसके बाद ये ड्रम स्टिक्स जो मैंने चॉप करके रखी थी, और इसमें जो भी मैं आलू डालूंगी, मैंने ज़्यादा आलू नहीं डाला था इसके अंदर, दो मीडियम साइज़ के आलू थे उनको डाल दिया था बिकॉज आरव भी खाने वाला था तो उसके हिसाब से आलू ज़रूरी था। तो ये इनको मैं थोड़ा पहले ही फ्राई कर लूँगी ताकि इनके अंदर जो इनका कच्चापन है ना वो निकल जाए और थोड़ा सा रोस्ट हो जाएंगे तो फ्लेवर अच्छा हो जाएगा। नमक वगैरह मैंने कुछ नहीं डाला है, सिर्फ सिंपल तेल के अंदर मैंने इसको रोस्ट कर लिया है 3-4 मिनट तक अच्छे से। तो ये जो ड्रमस्टिक्स हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, आई थिंक सभी को ये बात पता होगी। इनको खाना थोड़ा सा क्लम्जी होता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स के साथ में आता है, मतलब मैजिकल चीज़ें अगर आप नहीं खाते तो इंक्लूड कर लीजिए। पहले मैं बिल्कुल नहीं पसंद करती थी ड्रमस्टिक्स, टेस्ट की वजह से नहीं लेकिन हाँ इनको खाना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता था इसलिए मेरे को पसंद नहीं था, लेकिन अब मैं खाने लगी हूँ। अभी भी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं बनाती हूँ लेकिन हाँ ये इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे हैं स्पेशली फीमेल्स के लिए। ये आपकी बोन की जो डेंसिटी है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है, इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है स्पेशली अभी कोविड टाइम में। तो यहाँ पर देखिए मैंने तेल है थोड़ा सा वापस से तेल ले लिया है, बहुत ज़्यादा अभी मैंने तेल नहीं लिया था, और उस पर मैंने हींग और जीरे का तड़का दिया है। एंड देन फिर ये मैंने दो मीडियम साइज़ के टमाटर, इसमें टमाटर जितना डालेंगे ना तो उतना अच्छा फ्लेवर इसका आता है, बट मैं बहुत ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं करती इसलिए दो मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए। एंड उसके अंदर मैं बेसिक जो मेरे मसाले हैं वो डाल दूँगी, धनिया पाउडर, हल्दी एंड लाल मिर्च का पाउडर, बस इसको डाल दूँगी। थोड़ा सा मैं इसमें पानी भी डाल दूँगी ताकि जो मसाले हैं वो जले नहीं, और आजकल टमाटर उतने रसीले नहीं आते ना इसलिए थोड़ा पानी ऐड करना ज़रूरी है। तो एक बड़ा चम्मच मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए और मसाला अच्छे से भुन जाए। तो इसको ढक करके मैं भुनने तक पका लूँगी। तो देखिए अच्छे से मशी हो गए हैं टमाटर, आप अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा इसको भुनने की ज़रूरत नहीं होती है, जितना मशी रखना चाहते हो जितना खड़ा रखना चाहते हो टमाटर को उस हिसाब से आप देख लो। मेरे को बहुत ज़्यादा खड़े खड़े टमाटर पसंद नहीं है इसलिए मैंने अच्छे से मशी कर दिया था, और ये थोड़ा सा मेरे पास गरम मसाला बचा था ख़त्म हो रहा था तो मैंने कहा चलो इसमें डाल के ख़त्म कर देते हैं, बाकी इसमें गरम मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही थोड़ा सा ये गरम मसाला आप देख सकते हैं, ख़त्म करना था डब्बा फेंकना था तो मैंने इसमें ही डाल दिया। तो बस अब इसके अंदर मैं अपना ये जो ड्रमस्टिक्स और आलू मैंने रेडी किए थे वो इसमें डाल दूंगी, और नमक और थोड़ा सा पानी डाल करके इस पर एक सीटी बस लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं तो ये जो सरगवा है या फिर ये जो ड्रमस्टिक है ये एकदम गल जाएगा और खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए मैंने एक सीटी बस लगाऊंगी ताकि पक जाए बट बहुत ज़्यादा मशी ना हो। तो मैं आपको बेनिफिट्स बता रही थी कि ये जो ड्रमस्टिक है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, स्पेशली ये जिंक कैल्शियम में रिच होता है तो आपकी बोन डेंसिटी को बढ़ाता है, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, ब्लड प्यूरीफाई करता है, स्टमक रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, सूप वगैरह बना करके आप पी सकते हो उसका, और ब्लड शुगर लेवल्स को भी मेनटेन करके रखता है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा इन्ग्रीडियंट है, आपको इसको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कर लेना चाहिए, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पर बस मैंने ये कुकर लगा दिया है और एक सीटी आने के बाद मैं इसे बंद कर दूंगी। सो अब मैं निकल चुकी हूँ, शाम हो चुकी है तो शाम को मैंने सोचा थोड़ा बाहर का नज़ारा इंजॉय करके आया जाए, बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, ठंडी हवा चल रही थी, कोशिश तो की थी मैंने कुछ अच्छा सा कैप्चर करने की बट हो नहीं पाया, और फिर मुझे थोड़ा ऑड भी लग रहा था क्योंकि ऑफिस टाइम रहता है ना तो इस टाइम सब लोग ऐसे बाहर घूम रहे होते तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है मुझे ऐसे कैप्चर करना, अकेली थी वो भी मैं, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा कुछ ऐसे किया नहीं, बट मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और वहाँ पे मेरी फ्रेंड भी मिल गई तो मैंने उससे गप्पे पे मार के आ गई, तो बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग और बहुत मज़ा आया, बहुत दिनों बाद मैं इस तरीके से निकली थी तो अच्छा लगा मुझे। और अब मैं घर आ चुकी हूँ, खाना भी बन चुका था, मतलब सब्जी वगैरह सब रेडी थी, सिर्फ फटाफट से मुझे 5-6 रोटियां सेकनी थी तो मैं एकदम निश्चिंत थी बाहर जा कर के भी। तो यहाँ पर मैं रोटियां सेक ले रही हूँ और सैलड भी मेरे हस्बैंड ने काट लिया था, आज वो सब्ज़ी भी लेकर के आए थे तो क्यूकम्बर लेकर के आए थे खीरा, तो आज मैंने उनको बोला कि भाई लेकर आए तो काट लो वो भी खाया जाएगा, बड़ा मेरा मन कर रहा था और कोइंसिडेंटली वो खुद ही लेकर के आ गए। सो यस यही है, अगर ये वीडियो अभी तक आपको पसंद आ रहा है तो यार लाइक कर दो, कमेंट करना और शेयर भी करना, और हाँ नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसके
अंदर मैं चैलेंज जो है वो 2 वीक चैलेंज जो है वो स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आप उसके लिए भी मेरे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे और भी आइडियाज़ देना। बहुत सारे लोग के बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो अब मैं जैसे ऑल्टरनेट डेज पर वीडियोज़ डालूंगी, व्लॉग्स डालूंगी, तो उस पर आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हुआ करेंगे वो सारे एड्रेस कर दिया करूँगी। तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब मेरे रेगुलर ऑल्टरनेट डेज पर वीडियोज़ आएंगे, तो हमेशा एक दिन छोड़ करके वीडियोज़ चेक करते रहना और चैनल पर बने रहना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। देखिए मेरी रोटियां यहाँ पर बन गई हैं और अब मैं अपनी थाली लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये है मेरी थाली, डिनर थाली, बहुत सिंपल है बट इतनी ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी और फुल ऑफ न्यूट्रिएंट है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना इसी मेथड से, और आप मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके यहाँ ड्रमस्टिक्स को क्या बोलते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, अभी तक मुझे 2 ही नाम पता है, तो आप भी ज़रूर मुझे नाम बताना कि आप क्या बोलते हैं उसको। और ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।